नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे हैं। रिपोर्टों के अनुसार ये कार्रवाई न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा समाचार पोर्टल के खिलाफ UAPA के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच ये दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ED की जांच के दायरे में है। 30 से ज्यादा जगहों पर ऐसी कार्रवाई की गई है। पत्रकार अभिसार शर्मा और भाषा सिंह ने अपने अपने घरों पर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंची और उनके फोन और लैपटॉप लेकर चली गई। इसके अलावा अनुभवी पत्रकार उर्मिलेश, न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और लेखिका गीता हरिहरन, प्रसिद्ध पत्रकार ऑनिंद्यो चक्रवर्ती, कार्यकर्ता और इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार और स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा पर आज सुबह छापा मारा गया। रिपोर्ट है कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतरवाड़ और दिग्गज पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के घर पर भी छापेमारी की गई है। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी को लेकर ओडिशा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई होगा, तो उसके ऊपर जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो नियमों के तहत कार्रवाई करती हैं। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है कि पत्रकारों और न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी बेहद चिंताजनक है। हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं, हम पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि और जानकारी दी जाए। बता दें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत नीचे लगातार चला जा रहा है। 2021 में जहां ये 142 नंबर पर था, उसके बाद 2022 में 150 नंबर पर और 2023 में 161 नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन अब अगले साल के इंतजार है कि और कितना नीचे जाएगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा है कि चरण चुंबकों की फौज के बावजूद कुछ पत्रकार अभी भी सच बोलने की हिमाकत करते हैं, पर सच बोलने वालों से, सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है, तो उनको रेड किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, पर साहेब भूल जाते हैं चरण चुंबकों की रीढ़ की हड्डी गायब है, सबकी नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि PM मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खास तौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं। वो विपक्ष के नेता हों या फिर पत्रकार, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का प्रमाण है। RJD सांसद मनोज झा ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर कहा है कि सत्ता शीर्ष के आदेश पर पुलिस अपना घिनौना चेहरा दिखा रही है। कईयों को लोधी रोड पुलिस स्टेशन अकारण ले जाया गया है। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उन्हें दिल्ली पुलिस क्यों कह रहे हैं? वो गृहमंत्री अमित शाह के अधीन है और उनकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। जो लोग भाजपा की भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, वो उनके खिलाफ ऐसा करते हैं। वो इन सब से क्या दिखाना चाहते हैं? ये घटना इतिहास में लिखी जाएगी और सरकार के इस कदम की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि इस तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को ले जाते पुलिस के वीडियो को ट्वीट कर अखिलेश यादव ने कहा है कि छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबर नफीजों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा छापे डाले हैं, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी होने के बाद मंगलवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि बैठक में सभी दलों के साथ सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जानकारी साझा की जाएगी और इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, इस पर चर्चा की जाएगी। बता दें, बिहार में सोमवार को जाति सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं, उसमें 27% पिछड़ा वर्ग है और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। जाति सर्वेक्षण के अनुसार 19% से थोड़ी ज़्यादा अनुसूचित जाति है और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। इसके अलावा सवर्णों की तादाद 15.52% है। राज्य में कुल आबादी के 14% यादव हैं, जबकि 3.45% राजपूत हैं। ब्राह्मणों की आबादी 3.66% है, कुर्मी की 2.87% और मुसर की आबादी 3% है। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इससे कुछ पार्टियां असहज हैं।
उन्होंने दावा किया कि इससे देश की राजनीति नई करवट ले रही है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इसे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में सोमवार देर रात को 7 और मरीजों की मौत हो गई। इसमें से 4 बच्चे थे। इस अस्पताल में 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। पहले 24 घंटे में 24 मौतों के बाद सोमवार को ये मामला पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आया था। इसके बाद भी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। मरने वाले 31 मरीजों में से 16 शिशु या बच्चे थे। इस घटना पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सामंत के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, कुछ महीने पहले इसी तरह की घटना कलवा के सरकारी अस्पताल में हुई थी। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा कैसा हो गया है या सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य विभाग की किस तरह उपेक्षा की है। इन सबके बावजूद सरकार अभी भी त्यौहार आयोजित करने में व्यस्त है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अस्पताल में बच्चों की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। भाजपा की नज़र में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। कनाडा और भारत के बीच तनाव को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कई मौकों पर भारत सरकार से खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग करने की अपील की है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत ने कनाडा के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है, तो उनका जवाब था, इस पर प्रतिक्रिया भारत ही दे सकता है। उन्होंने कहा, इस मामले में भारत अपने बारे में खुद ही प्रतिक्रिया दे सकता है। यहाँ मैं सिर्फ अमेरिका के बारे में बता सकता हूँ, हमने सहयोग की अपील की है। एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने नेपाल को हरा दिया है। इसी के साथ भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने नेपाल को 203 रनों का लक्ष्य दिया था। इसका पीछा करते हुए नेपाल की टीम 9 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। इस मैच में भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 202 रन बनाए थे। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने हांगकांग को 13-0 से हरा दिया है। अब तक टीम ने 4 लीग मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था। चीन के हांगझो में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने 13 गोल्ड समेत 61 पदक जीत लिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।